हाउ टू फिक्स ऑटोमेटिक रिपेयर लूप इन विंडो 10। सो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऑटोमेटिक रिपेयर की प्रॉब्लम जो आती है लैपटॉप में और पीसी के अंदर, वो क्यों आती है और कैसे उसको सही कर सकते हैं हम, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहें और पूरे वीडियो देखते रहें, आपका कंप्यूटर सही हो जाएगा और कोई भी आपका डाटा रिमूव नहीं होगा। तो सर गाइस, सबसे पहले आपको एडवांस ऑप्शन पर जाना है। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को सही कैसे करना है उसके लिए आपको एडवांस ऑप्शन पर जाना है। एडवांस ऑप्शन पर आपको तीसरे वाला ऑप्शन मिलेगा ट्रबल शूट, तो आपको सिंपली ट्रबल शूट पर टच कर देना है। उसके बाद आपको नीचे एडवांस ऑप्शन एक और दिख रहा है, उस पर वापस से आपको टच करना है। उसके बाद आपको सेकंड वाला ऑप्शन देख सकते हैं स्टार्टअप रिपेयर, इस पर टच कर देना है। उसके बाद वापस से एक बार आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, वापस यही चीज़ करनी है आपको, ट्रबल शूट पर जाना है। यहाँ पर आपको ट्रबल शूट के अंदर आपको कमांड वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस कमांड वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की स्क्रीन खुल गई। यहाँ पे आपको जो जो की मैंने बताई ये सारी चीज़ें आपको टाइप करनी है, पहले सी, उसके बाद ये डी आई आर, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करके टाइप करनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पर टच कर देना है और आपका विंडो नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपकी रिमूव नहीं होगी, जैसा आपका कंप्यूटर चलता था वैसे ही चलता रहेगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद।